नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए योगी सरकार के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से अगर दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय जिसको आप वन टू फाइव के नाम से जानते हैं, 6 to 8 विद्यालय जिसको आप उच्च प्राथमिक के नाम से जानते हैं, प्राथमिक और जूनियर को लेकर जो विवरण है वो जारी किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर जो ब्यौरा है वो तलब किया गया था। इसी को लेकर यहाँ पर 90,000 से ज़्यादा पद नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में निकल कर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के बारे में 40,000 मानदेय को लेकर बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और इस पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भर्तियों को लेकर जानकारी है वो अनाउंसमेंट तो बहुत सारी की जाती है, लगातार समाचार पत्रों के अंदर जानकारी भी निकल कर आती है, लेकिन जो हमारे देश का युवा है या उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो अब समाचार पत्रों से दुखी हो चुका है, या यूं कहें कि समाचार पत्रों में आने वाली जानकारी को लेकर वो खुश नहीं होते जब तक सरकार के माध्यम से कोई ऑफिशियल सूचना जारी न कर दी जाए या कोई सरकार का मुख्य अधिकारी आकर के इस मुद्दे पर सीधा बयान जारी न करे। क्योंकि समाचार पत्रों में जानकारी जब आती है तो खुशी तो बहुत होती है, दुख तब होता है जब विज्ञापन नहीं आता। अब इसी मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों को लेकर। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं और तमाम जो बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर समय समय पर सरकार के सामने अपनी मांग रखते रहते हैं। लेकिन एक गुट और भी है जिसको आप शिक्षा मित्रों के नाम से जानते हैं। शिक्षा मित्रों की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 1,40,000 के समथिंग है। अब 1,40,000 से ज़्यादा जो शिक्षा मित्र हैं वो आप जानते हैं वो उत्तर प्रदेश के 3,500 पे रखे गए थे और वर्तमान सरकार के माध्यम से उनका जो कह सकते हैं कि मानदेय बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले जब वो सहायक अध्यापक के पद पर थे तो उनको 40,000 मिला करता था। अब हाल ही में आपने कुछ समय पहले जानकारी देखी होंगी, मैंने भी इसको लेकर एक दो वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था कि जो शिक्षा मित्र हैं प्रदेश के उनके लिए सरकार के माध्यम से विचार किया जा रहा है और वो इस मामले पर जल्द ही स्पष्टीकरण देने वाले हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय में वृद्धि की जा सकती है। अभी 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ आई थी, मैंने आपको दिखाई भी थी। अभी 2 दिन पहले आप सभी ने एक न्यूज़ भी देखी होगी, इसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। इसमें आपको बताया था कि जो शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश के या जो अनुदेशक हैं या रसोई हैं इनके जो कहीं ना कहीं मानदेय वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि इनके कुछ संगठनों के माध्यम से मुलाकात भी की गई थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और इनको लेकर ये बताया भी गया था कि इनके मानदेय बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। अब जो चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आती हैं तो समाचार पत्रों में तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमेशा आई जाती हैं हम जानते हैं, लेकिन सरकार जब तक पॉजिटिव जारी न करे तब तक यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो हमेशा डिलेमा में रहते हैं, यानी कि दुविधा में ही रहते हैं। अब इसी को लेकर आप सभी के सामने एक पत्र देखने के लिए मिला होगा, जिसने ये पत्र अभी तक नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लो। ये पत्र आप सभी को देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के संबंध में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के संबंध में जो पत्र आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि सदन में 18 प्रथम सत्र जो आप सभी का 2024 के प्रश्नों की सूची यहाँ पर जारी की गई है। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये जो आपकी पीडीएफ है जब आपके विधानसभा सत्र शुरू होगा तो वहाँ पे आपके लिए जारी की जाएगी डे बाई डे, उसमें भी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। अब इस प्रश्न के जवाब को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्यालयों में जो शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं और क्या सरकार प्राथमिक के रिक्त पदों को भरने के लिए टीईटी उत्तीर्ण बीएड बीटीसी डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर विचार करेगी या नहीं, अगर नहीं करेगी तो भी बता दिया जाए। अब यहाँ पे उनके माध्यम से जो लाइन लिखी जाती है वो काफ़ी अच्छी तो लगती है कि इतने पद खाली हैं,
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में स्वीकृत पद 417,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के तकरीबन 85,152 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, और इनको लेकर जो पद आप सभी के सामने हैं उनको भरने के लिए कोई प्रक्रिया उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है आप ध्यान से पढ़िए। उनका कहना ये है कि प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या ये है और कार्यरत अध्यापकों की संख्या 3,32,000 है, तो ऐसे में और 1,47,000 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करके यहाँ पर जो उनका कहने की छात्र शिक्षक अनुपात है वो 21:1 का है, और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही जो देखने के लिए मिलती है वो समय समय पर नियमावली के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, साथ ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया था जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ ये जानकारी देखने के लिए मिली थी, तो इससे संबंधित भी उन्होंने इस पत्र के अंदर एड ऑन कर दिया है। फिलहाल ये तो एक अलग मामला है बीएड का। अब बात की जा रही है शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस सवाल का जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री ने हमेशा की तरह छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करते हुए ही दिया है, जो हमेशा वो देते हैं। तो अब इस मामले को देखा जाए तो ये लग रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर या तो बेसिक शिक्षा मंत्री के पास में कोई जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो बताना नहीं चाहते। दूसरा जो सवाल आपको देखने के लिए मिलता है वो यहाँ पे है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे जो शिक्षा मित्र हैं क्या उनका कहने की जो वेतन है उसको बढ़ा करके 40,000 रुपये करने पर विचार करेगी सरकार? अगर करेगी तो यस, और नहीं करेगी तो क्यों? इसके बारे में भी उनके माध्यम से जानकारी दे दी जाए। और इस मुद्दे पर उनका जो जवाब देखने के लिए मिलता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका जवाब है कि उत्तर प्रदेश के जो बेसिक विद्यालयों के अंदर शिक्षा मित्र हैं उनको यहाँ 3,500 से बढ़ाकर 10,000 भुगतान किया जा रहा है, और इसके अलावा नए बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखा है। अब एक चीज़ तो यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियर दिख रही है कि ये जो मामला है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर और आप सभी के शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर वो कहीं ना कहीं बार बार हमेशा की तरह गोल गोल घूमता दिखता है। नई भर्ती को लेकर जब भी कहीं ना कहीं मांग उठाई जाती है या मांग निकल कर आती है तभी सरकार के माध्यम से कुछ ऐसे बयान निकल कर आ जाते हैं जो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करने पहुँचे थे, लेकिन वहाँ से भी शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें निकली नहीं। मैंने आपको बताया भी था और ये सत्य भी है कि अभी शिक्षक भर्ती को लेकर वर्तमान शिक्षा मंत्री कुछ बोलने के लिए या बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब या तो इसका मतलब ये है कि वो शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहते या उनको पता नहीं है, अब दोनों में से एक ही रीज़न संभव है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।